हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करेंगे अपनी शौक कलाकारों की श्रृंखला में, वो हैं गुलाम मोहम्मद शेख। गुलाम मोहम्मद शेख भारतीय समकालीन कला जगत के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे आर्ट मूवमेंट में काम किया, बहुत सारे कलाकृतियों को इनको अवार्ड्स मिले और इन्होंने अपने काम के लिए भारत की समकालीन कला का जो विकास किया उसके लिए इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया गया। कलाकार जब कोई काम करता है उसका उसके पीछे बहुत ही गहन अध्ययन होता है। वो एक कला समीक्षक भी होता है, एक कला थिंकर भी होता है, समाज की चीज़ों को लेके सोचता है, फिर उसको अपनी कला में रिप्रेजेंट करता है और उसकी कला को रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका होता है। हर कलाकार का अपना अलग तरीका होता है कलाकृतियों को प्रेजेंट करने का। तो गुलाम मोहम्मद शेख जो थे, उनकी कलाकृतियों को, अपनी कलाकृतियों को रिप्रेजेंट करने का एक अलग ही तरीका था। आज हम बात करेंगे इनकी कलाकृतियों के बारे में, इनकी टेक्निक के बारे में, इन्होंने कहाँ से शिक्षा ली, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये सारी चीज़ें हम इनके बारे में पढ़ेंगे, गुलाम मोहम्मद शेख के बारे में। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना इनका छोटा सा ऑटोबायोग्राफी, उसके बाद इनकी पेंटिंग्स के एनालिसिस करेंगे। बहुत ही डिटेल में मैं जाके आपको इनकी पेंटिंग्स समझाऊंगी। काफ़ी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, काफ़ी कुछ ऐसे पेंटिंग्स हैं जिसका थीम वो कहाँ से लिए, कैसे लिए, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है पर डिटेल में आपको पढ़ के अच्छा लगेगा इनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं और लास्ट में इनके 20 MCQs भी होंगे। अगर आपको उनके MCQs भी देखना है तो वीडियोज़ को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनका ऑटोबायोग्राफी और उनके बारे में काफ़ी कुछ। गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म 16 फरवरी 1937 में हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, जो प्रमुख कलाकार थे लाइक MF हुसैन, SH रजा, FN सूजा, अभी हमने बनाया जोगेन चौधरी, ये सारे जो कलाकार हैं इनका जो टाइम पीरियड है 20 के दशक में, 30 के दशक में और 40 के दशक में, तो ये सारे जो फेमस कलाकार हैं इनके आप दशक भी याद रखिएगा और उनका डेट ऑफ बर्थ भी याद रखिएगा। मेन पॉइंट होता है कि कलाकारों की डेट ऑफ बर्थ पूछता है, कलाकारों ने कब अवार्ड मिला, अगर उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे अवार्ड्स मिले तो उनके बारे में पूछता है, उनकी पेंटिंग्स के नाम के बारे में पूछता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अपने इस वीडियो में गुलाम मोहम्मद शेख की पूरी डिटेल आपको मिल जाए। एक भी चीज़ मैंने छोड़ने का प्रयास नहीं किया, मैंने सोचा है एवरीथिंग मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर दूँ। आपको ऐसा ना लगे कि इस वीडियो में कुछ रह गया है और मुझे कुछ और चाहिए इनके बारे में। फ्रेंड्स, इनके कला के योगदान के लिए इन्हें 1983 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आपको ऐसे याद करना है कि पद्मश्री उनको 1983 में मिला। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भारत को जब जिस सन में क्रिकेट में मिला था वर्ल्ड कप, उस सन में इनको पद्मश्री मिला था। तो इस तरीके से आप को रिलेट भी कर सकते हैं किसी चीज़ों से। अगर 83 में आपका बर्थडे हो या किसी का, तो आपको ये चीज़ याद करना है कि गुलाम मोहम्मद शेख को पद्मश्री 1983 में मिला था और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा सम्मान जो होता है वो कौन सा होता है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये चार सम्मान होते हैं। एक भारत रत्न होता है सबसे बड़ा, उसके बाद पद्मश्री, पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री होता है, पद्म विभूषण और पद्म भूषण सेकंड और थर्ड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट, ये जो गुलाम मोहम्मद शेख थे बड़ौदा ग्रुप से रिलेटेड थे। बड़ौदा ग्रुप एक आर्टिस्ट ग्रुप था जो कि बड़ौदा में बना था, उससे भी संबंधित थे। इनकी प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं, 1955 में इन्होंने मैट्रिक्स किया, उसके बाद
1959 में ललित कला में बीए इन्होंने 1961 में ललित कला संकाय से महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से एमए पूरा किया। ठीक है, तो इस तरीके से 1959 टू 61 तक ये बड़ौदा में बैचलर एंड मास्टर्स किया। 1966 में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से ARCA प्राप्त किया। चित्रकला के प्रोफेसर ललित कला संकाय बड़ौदा 82 to 93 11 ईयर्स इनका बड़ौदा में ललित कला संकाय में प्रोफेसर के रूप में इन्होंने काम किया 82 से 93 तक। ठीक है, इसी बीच में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 83 में। शिकागो के आर्ट इंस्टीट्यूट में विजिटिंग आर्टिस्ट रहे, ये शिकागो भी गए, वहाँ पे ये विजिटिंग आर्टिस्ट के रूप में वहाँ पे भी इन्होंने लेक्चर दिया, कुछ व्याख्यान भी दिए 2002 और माल्टाल्वो कैलिफोर्निया में ये एक लेखक 1998 में लेखक और कलाकार के रूप में काम किया इन्होंने 2005 तक। शेख 4 दशकों से अधिक समय में भारतीय कला की दुनिया में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। उन्होंने दुनिया भर में प्रमुख प्रदर्शनियों में भाग लिया और उनके कार्यों को निजी और सार्वजनिक संग्रह में प्रदर्शित किया गया, जिसमें नई दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, फिर लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूज़ियम और सलेम, अमेरिका में पीबॉडी एसेक्स म्यूज़ियम शामिल है। यहाँ पर इनके चित्रों के संग्रह मिल जाएंगे आपको अभी भी, इंडिया के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, लंदन के विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूज़ियम और सलेम के अमेरिका के पीबॉडी एक्सेस म्यूज़ियम में इनके कुछ वर्क्स शामिल किए गए हैं। गुलाम न केवल एक कलाकार के रूप में बल्कि एक शिक्षक और लेखक के रूप में भी सक्रिय रहे। ये एक कवि भी थे, पोएट भी थे, इनके कुछ कविताओं का संग्रह भी है, गुजराती अति यथार्थवादी कविताओं के संग्रह में इनकी एक अथवा नामक जो 1974 ने उन्हें काफ़ी आलोचना दिलाई, अथवा नामक कविता पर इन्हें आलोचना भी मिली पर ये अपने काम में जुटे रहे। उन्होंने एक गद्य श्रृंखला लिखी, घेर चाटन भी लिखी और क्षितिज के साथ विश्व मानव और सयुज्या पत्रिकाओं के एक विशेष अंक का संपादन भी किया था। ये एक संपादक के रूप में भी काम किए थे। इन्होंने वृश्चिक नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। अमेरिकन चित्रकला 1964 का अनुवादित कार्य इन्होंने किया था। अमेरिकन चित्रकला इंग्लिश में जो बुक थी उसका इन्होंने अनुवाद किया, जैसे प्राणनाथ मागो की जो पुस्तक है उसका अनुवाद किया गया है हिंदी में, वैसे ही इन्होंने एक अमेरिकन चित्रकला नामक पुस्तक का अनुवादित कार्य भी 64 में किया था। शैली इनकी चैतन्य संभरानी लिखते हैं, चैतन्य संभरानी एक राइटर थे और इन्होंने शेख के बारे में एक पुस्तक लिखी है। शेख की कला अपने स्वभाव से एक जो कथा का काम करता है और इसलिए दुनिया को फिर से बनाना, इस कथा के बीच एक निकट संबंध है और दुनिया को मैप करने का एक कार्य है जो देता है, कार्य कर देता है। बोलने वाला विषय दुनिया को उनके स्वयं के रूप में संबोधित करने की संभावना है। हाल ही में शेख मप्पा मुंडी श्रृंखला पर काम कर रहे थे, जहाँ पर खुद को खोजने के लिए एक नए क्षितिज और आश्चर्य को परिभाषित करते हैं। शेख ने इन व्यक्तिगत ब्रह्मांडों को लघु मंदिरों से उत्साहित किया, जहाँ उन्होंने दर्शकों से अपने मप्पा मुंडी के निर्माण की स्वतंत्रता का अभ्यास करने का आग्रह किया। मप्पा मुंडी उनकी एक ऐसी रचना है जिसके बारे में आप समझ नहीं पाएंगे। मप्पा मुंडी, पहले आप जान लें कि मप्पा मुंडी क्या होता है। मप्पा मुंडी एक ऐसी जगह की मैप होती है, जैसे हमारे यहाँ पुराने ज़माने में कुछ मैप बनाते थे इंडिया का, और आप एक प्लेस का, छोटे से प्लेस का, अगर हम न्यू दिल्ली के मैप की बात करें तो वो मैप का जो डिटेल में मैप होता है उस तरीके का काम होता था मप्पा मुंडी। मैं मप्पा मुंडी के बारे में आपको एक बार समझाती हूँ। पहले ये है एक तरह का मप्पा मुंडी जो कि किसी और कंट्री का है, जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। ये मप्पा मुंडी के ऊपर गुलाम मोहम्मद शेख ने अपनी चित्रकृतियाँ की। ये मप्पा मुंडी जो है ये
मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैंने विकिपीडिया पे पढ़ा कि व्हाट इज़ द मप्पा मुंडी। तो ये जो है मप्पा मुंडी, फ्रेंच मैप मोंडे, इंग्लिश में मैपन मोंडे है। तो मैप है मोंडे जो है, इसका इन्होंने मप्पा मुंडी नाम से इन्होंने अपनी पेंटिंग्स की श्रृंखला बनाई। इज एनी मेडिवल यूरोपियन मैप ऑफ द वर्ल्ड। सच मैप रेंज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम सिंपल स्कीमेटिक मैप 25 मिलीमीटर्स 1 inch और लेस अक्रॉस टू एलेबोरेट वॉल मैप्स, द लार्जेस्ट ऑफ विच द सर्वाइव द मॉडर्न टाइम्स द एफ्सटॉर्फ मैप वॉज अराउंड 3.5 meters 11 feet 6 inches इन डायमीटर। द टर्म डराइव्स फ्रॉम मेडिवल लैटिन वर्ड्स मप्पा। मप्पा का मतलब होता है क्लॉथ और चार्ट, क्लॉथ होता है या चार्ट होता है। एंड मुंडूज होता है वर्ड्स, जो वर्ल्ड का मैप बनाया जाता है क्लॉथ या चार्ट पे, उसको मप्पा मुंडू कहते हैं। तो ये लैटिन लैंग्वेज है। ये हेयरफोर्ड मप्पा मुंडी अबाउट 1300 हेयरफोर्ड कैथेड्रल इंग्लैंड। ठीक है, तो ये है मप्पा मुंडी का डिटेल, जो कि मैंने इसमें डिटेल में आपको लार्ज करके दिखाया है। तो इस तरीके से मप्पा मुंडी का इनका एक सीरीज़ था, जो कि मैं अभी दिखाऊंगी आपको भी कि कैसे इनकी मप्पा मुंडी की सीरीज़ हुआ करती थी। उससे पहले हम व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख अपनी कलाकार पत्नी नीलिमा शेख के साथ बड़ौदरा में रहते हैं। इन्हें कुछ प्रमुख अवार्ड्स के से सम्मानित किया गया। नेशनल अवार्ड ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली 1962, पद्मश्री बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1983 में पद्मश्री, जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा 2002 में इन्हें प्रदान किया गया 2002 में। पद्म भूषण बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2014, पद्म भूषण से इन्हें 2014 में भारत की सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। तो ये हैं उनके कुछ जो मेन अवार्ड्स हैं। 62 आप ऐसे याद कर लीजिए, 62, 83, 2002 और 2014। ठीक है, इन्होंने गेस्ट लेक्चर के रूप में, अतिथि व्याख्यान के रूप में 21 मार्च 2013 को एमंग मेनी कल्चरल ऑफ एंड टाइम्स जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय वॉशिंगटन डीसी में इन्होंने गेस्ट रूप के तौर पे इन्होंने जाके वहाँ लेक्चर दिया था। इनके कुछ शोज़ हैं, सोलो शोज़, ग्रुप शोज़, उसका डिटेल है मेरे पास यहाँ पर। एक इनका सोलो शो है रिटर्निंग होम, जो कि इन्होंने सेंट्रल जॉर्ज मैसी नेशनल आर्ट मॉडर्न पेरिस में 1985 में किया था। कुछ इनके प्रकाशन हैं, जो कि इन्होंने गद्य पद्य सब में लिखा है, अथवा गुजराती में कविताएं, बटला बड़ौदा 1974। लक्ष्मा गौड़ के साथ इन्होंने मोनोग्राफ किया, लक्ष्मा गौड़ कलाकार हैदराबाद, ललित कला एकेडमी पर मोनोग्राफ इन्होंने लिखा, कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट ऑफ बड़ौदा तुलिका न्यू दिल्ली के द्वारा। इस तरीके से इनके बहुत सारे मार्ग में भी इन्होंने कुछ जर्नल्स भी लिखे, आर्ट जर्नल ऑफ आर्ट्स एंड आइडिया, ललित कला एकेडमी के साथ जो छपती है उससे भी ये जुड़े हुए थे। ये कुछ आर्टिकल्स भी लिखते थे, जिसमें कि के जे सुब्रमण्यम, जयराम पटेल, लक्ष्मा गौड़, डी एल एन रेड्डी, डी देवराज आदि की प्रदर्शनी का उन्होंने जिक्र किया था। एट होम इन द वर्ल्ड, ये है द आर्ट एंड लाइफ ऑफ मोहम्मद शेख, चैतन्य संभरानी द्वारा संपादित। ये चीज़ आपको याद कर लेनी चाहिए कि एक गुलाम मोहम्मद शेख के ऊपर चैतन्य संभरानी ने एट होम इन द वर्ल्ड द आर्ट एंड लाइफ ऑफ गुलाम मोहम्मद शेख ने पुस्तक लिखी थी चैतन्य संभरानी ने, जिसका नाम था एट होम इन द वर्ल्ड द आर्ट ऑफ लाइफ ऑफ गुलाम मोहम्मद शेख। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद कर लेना चाहिए चैतन्य संभरानी द्वारा लिखित गुलाम मोहम्मद शेख के लाइफ के बारे में ये पुस्तक थी। दोनों कलाकार के जीवन की कहानियों और उनकी सोच और क्यूरेटोरियल मकाम के कई संदर्भों पर उन्होंने काम कलाकार के रूप में काम करते हुए गुलाम मोहम्मद शेख के बारे में लिखा है।
शेख ने 1996 में विधान भवन भोपाल में म्यूरल ट्री ऑफ लाइफ पेंट किया था, जो कि ट्री ऑफ लाइफ इनकी पेंटिंग है, वो एक म्यूरल है जो कि कहाँ पर है, विधान भवन भोपाल में 1996 में। तो ये भी नोटेबल पॉइंट है, श्री शेख ने 1996 में 1996 में विधान भवन भोपाल में म्यूरल द ट्री ऑफ लाइफ पेंट किया। आपने पढ़ा होगा ट्री ऑफ लाइफ गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा की बनाया गया है, पर ये क्या है, म्यूरल है, पेंटिंग है या चित्र है, तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है ये कहाँ पर है। जैसे हम पढ़ते हैं के जी सुब्रमण्यम के कुछ पेंटिंग्स कहाँ कहाँ पे संग्रहित हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, तो इस तरीके से गुलाम मोहम्मद शेख का ये जो ट्री ऑफ लाइफ है, ये विधान भवन भोपाल में के दीवालों पर बना हुआ है, म्यूरल है ये, 1996 में बना है। 1968 में लंदन से लौटने के बाद निबंध श्रृंखला घरे जाता, उहापोह, एतद, गंध्य पर्व आदि में प्रकाशित हुई थी। उनके कला संबंधी विभिन्न निबंध भी इस पत्रिकाओं में नियमित छपते रहते हैं। इस तरीके से गुलाम मोहम्मद शेख न एक कलाकार, एक कवि भी, एक लेखक भी, एक आर्ट क्रिटिक भी रहे हैं, और इन्होंने समाज के बारे में, गुजरात के दंगों के बारे में भी अपने चित्रों को चित्रित किया है। तो इस तरीके से सामाजिक कार्य से भी ये जुड़े रहे हैं। 1974 में उनकी कविता का संग्रह अथवा उनके रेखांकन अथवा इनकी एक कविता का संग्रह है, इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, कविता संग्रह अथवा सहित प्रकाशित हुआ। उनकी कविताओं के हिंदी, मराठी एवं अंग्रेजी में अनुवाद भी हुए हैं, और साक्षात्कार, वागर्थ, हिंदी, सत्यकथा, मराठी तथा अनदर इंडिया, इंडियन पोएट्री टूडे आदि में प्रकाशित हुए हैं इनके कुछ काम, साक्षात्कार भी। तो काफ़ी वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इनके चित्रों के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि गुलाम मोहम्मद शेख के चित्र कैसे हुआ करते थे, किस तरीके से इन्होंने काम किया, और फिर हम 20 MCQs भी साथ में पढ़ेंगे। गुलाम मोहम्मद शेख की सिटी फॉर सेल, शहर बिकाऊ है, जिसको हिंदी में कहते हैं सिटी फॉर सेल, 1981 to 1984, इनको 4 ईयर्स लग गए इस पेंटिंग्स को बनाने में। इस चित्र में इन्होंने सिटी बनाया है। सिटी में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, रिक्शा चलाने वाला, डिस्कस करने वाले, रोड पे खड़े, कुछ सब्जियां बेचने वाले, कुछ इस तरीके से पेंटिंग इन्होंने यहाँ पर। एक ये भी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एक इन्होंने सिलसिला नामक मूवी का भी चित्र बनाने का कोशिश किया हुआ है, एक थिएटर भी दिखाया है, थिएटर का गेट भी दिखाया है, फिर इस तरीके से इन्होंने अंदर थिएटर का भी शो दिखाने का प्रयास किया हुआ है। तो ये जो पेंटिंग है सिटी फॉर सेल, गुलाम मोहम्मद शेख की वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है, जिसका आप कलर देख सकते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख और इनकी पेंटिंग्स इस तरीके की है, ट्रू कलर्स V2 1970 में इन्होंने ये चित्र बनाया, ट्रू कलर्स V2 मीन्स इसको हिंदी में हम कह सकते हैं हम दोनों, ठीक है। और ट्रू कलर मीन्स जो ओरिजिनल कलर्स होते हैं, यहाँ पे हम दो दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पे स्काई में कुछ हॉर्सेस रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और ट्रीज़ हैं, और उनको जो उन्होंने उनके जो फेमस कलर्स होते थे, जो उनके फेवरेट कलर्स, प्राइमरी कलर्स भी उन्होंने यूज़ किया है इसमें बैकग्राउंड में। At Home in the World, A New Book on the Artist गुलाम मोहम्मद शेख, ये आपके जो बुक्स के बारे में हैं, ये जो मप्पा मुंडी इन्होंने बनाना स्टार्ट किया था, उस तरीके का ये चित्र है। मप्पा मुंडी ऐसा ही बनाते थे, जैसा कि मैंने मप्पा मुंडी आपको दिखाया, फ्रेंच जो मैप था उस पर बना हुआ, उस तरीके की पेंटिंग्स ये बनाते थे। और अपनी इस मप्पा मुंडी में ये मैप को ना दिखा के मैप के साथ साथ शहरी सिटी लाइफ भी दिखाते थे। क्लाउड भी है इनके चित्रों में, कुछ शहर का दृश्य है जिसमें जगह जगह पे लोग अलग अलग धर्मों से बैठे हैं, काम कर रहे हैं। मुगल पेंटिंग से भी कुछ चीज़ों को इन्होंने इन्वॉल्व किया है, इस तरीके से इनके चित्रों को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की तरफ से, ये है इनका मेघदूत
जो कि 1988 से 1989 में इन्होंने बनाया है। ये है मेघदूत से रिलेटेड इनके चित्र। इनके चित्रों में सिटी का स्केप अक्सर होता था। भूपेन खक्कर के चित्रों को अगर आपने देखा होगा तो कुछ कुछ उनके समकक्ष ये सारे चित्र हैं। कलर्स भी लगभग वैसे ही इन्होंने भी यूज़ किया हुआ है। बिटवीन मेमोरी एंड म्यूज़िक 1989 टू 1991 1979 से 1991 तक बिटवीन मेमोरी एंड म्यूज़िक गुलाम मोहम्मद शेख, ये है इनका बिटवीन द मेमोरी एंड म्यूज़िक। ये है इनका एक चित्र जो कि आप देख सकते हैं। कलर्स इनके बिल्कुल प्राइमरी कलर्स ब्लू ग्रीन येलो रेड इस तरीके से यूज़ करते थे। ये चित्रों को डिवाइड करके चित्र बनाते थे। यहाँ पर ट्री भी बनाया, क्लाउड भी बनाया है और इस तरीके से इनके चित्र होते थे। मप्पा मुंडी पे आधारित ये चित्र है। गुलाम मोहम्मद शेख की दो कविताओं पर आधारित हैं, दो कविताएं। गुलाम मोहम्मद शेख का ये चित्र, अब इसको अगर आपने देखा होगा भूपेन खक्कर का चित्र तो वैसे ही रिलेटेड आप कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख भारत की पहचान, ये एक इनकी पेंटिंग है जो कि भारत की पहचान से। इनके चित्रों में एक आप 2D 3D डायमेंशनल देख सकते हैं। सिटी का स्केप देखते हैं और इसमें एक पर्सपेक्टिव भी दिखता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आर्टिस्ट ने एक बड़ी सी बिल्डिंग से खड़े होकर सिटी का स्केप देखकर चित्र बनाया हुआ है। अनटाइटल्ड है गुलाम मोहम्मद शेख का। वेयर देयर इज़ अ मैप देयर इज़ अ वे, ये मैप की तरह इन्होंने चित्रों को बनाने का प्रयास किया है। पैसिंग एंजल्स अ लाइफ समर डायरी, गुलाम मोहम्मद शेख ने 1985 टू 87 85 से 87 तक में ये चित्र बनाया है। पैसिंग एंजल्स अ लाइफ समर डायरी, ये है गुलाम मोहम्मद शेख के चित्र। तीन भागों में इसको इन्होंने डिवाइड किया है इस चित्र को। ये है इनके पीछे इनके मप्पा मुंडी वाले चित्र, जो कि मैंने बताया मप्पा मुंडी के बारे में, उससे रिलेटेड ये चित्र हैं। विच वॉज रिफ्लेक्टिव इन नेचर मेडिटेटिव इन स्टाइल एंड ग्रेड इन डिस्प्ले। किरण नादान म्यूज़ियम में ये डिस्प्ले है। कावड़ ट्रैवलिंग श्राइन होम, इन्होंने कावड़ के तरीके से भी कुछ चित्र बनाए हैं। कावड़ जो कि राजस्थान का फेमस चित्र होता है, कावड़ जिसको किवाड़ भी बोलते हैं। किवाड़ मीन्स दरवाजे डोर से रिलेटेड होते हैं और इन्होंने कावड़ पे चित्र बनाए अपने। मप्पा मुंडी भी रिलेटेड है कुछ, इनके जो अपने जो स्टाइल होती है वो स्टाइल इन्होंने कावड़ से रिलेटेड बनाया। सिटी की लाइफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो सिटी लाइफ इन्होंने डिवाइड करके बनाते थे उस तरीके की चिन्ह पेंटिंग्स इनकी पूरी गैलरी में कावड़ से रिलेटेड हुआ करती थी। कावड़ ट्रैवलिंग श्राइन होम डिटेल, ये है कावड़ का एक डिटेल जो कि गैलरी में ही इन्होंने कावड़, जिसको हिंदी में किवाड़ कह सकते हैं, राजस्थानी में कावड़। तो इनके सारे जो पेंटिंग्स होते थे ये कावड़ पे बने होते थे। इस तरीके से गुलाम मोहम्मद शेख इमेजिन करके अपनी चित्रों को बनाते थे और अपनी गैलरियों में एग्जिबिट करते थे। ये है गुलाम मोहम्मद शेख इंडियन आर्टिस्ट अल्फ़ाबेट स्टोरी 2। ये भी अल्फ़ाबेट का इनका एक सीरीज़ था जो कि स्टोरी 2 है, 2002 टू 2003, मिक्स मीडिया ऑन पेपर। ये है इनका अल्फाबेट स्टोरी। गुलाम मोहम्मद शेख की दो कविताएं, ये दो कविताएं हैं। एक तरीके से इन्होंने ट्री बनाया और दो लेडीज को बनाया है इसके नीचे और इसका टाइटल दिया दो कविताएं। निर्मिश स्पीचलेस सिटी 1975 में 1975 में इन्होंने गुलाम मोहम्मद शेख ने निरामिश स्पीचलेस सिटी बनाया। देख सकते हैं आप इसमें बर्ड्स हैं, कुछ डॉग्स हैं और पीछे सिटी का स्केप है जो कि आप इसमें पूरी तरह से पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। चीज़ों को जाते हुए, दूर तक चीज़ों को जाते हुए दिखाने का प्रयास किया है गुलाम मोहम्मद शेख ने। मेघदूत, यहाँ पर अगर आप इनको इनके चित्रों को ध्यान से देखें तो भूपेन खक्कर की चित्रों को हमें याद दिलाता है। तो गुलाम मोहम्मद शेख और भूपेन खक्कर के चित्र लगभग लगभग
सिमिलर हुआ करते थे। गुलाम मोहम्मद शेख स्पीचलेस सिटी अगेन 1975 इंडियन आर्टिस्ट, ये भी सिटी स्केप है। इनके चित्रों में काफ़ी कुछ सिटी स्केप हुआ करते थे। अनटाइटल्ड 1994 में गुलाम मोहम्मद शेख ने बनाया वाटर कलर गुआश ऑन पेपर। मप्पा मुंडी से रिलेटेड ये इनका चित्र है अर्थ 2011 में। गुलाम मोहम्मद शेख ने 2011 में ये ब्लैक एंड वाइट में इन्होंने अपना चित्र बनाया जो कि मप्पा मुंडी से रिलेटेड है। मप्पा मुंडी आपको समझ में आ गया होगा। अबाउट फ्रेंड 3 कंपोजिशन इन ग्रीन एंड ब्लैक, गुलाम मोहम्मद शेख द्वारा चित्रित ये बिल्कुल फ्लैट कलर्स में इन्होंने चित्रों को बनाया है। अनटाइटल्ड द मैन गिविंग वुमेन द मून एंड द वुमेन गिविंग मैन द अर्थ, आप देख सकते हैं इसको, मैन गिविंग वुमेन गिविंग अर्थ एंड मून, ये सारा जो इनका टाइटल है ये वाटर ऑन पेपर होगा, हाँ वाटर कलर ऑन पेपर है। गुलाम मोहम्मद शेख एंड नीलिमा शेख, ये दोनों का है, ठीक है, नीलिमा शेख और गुलाम मोहम्मद शेख दोनों ने मिलकर बनाया है ये चित्र। पेंटेड वुडन, ये वुडन को लेके इन्होंने पेंट किया है, ये गुलाम मोहम्मद शेख का एक कृति है। अनटाइटल्ड 1997 में, ये भी वाटर कलर ऑन पेपर होगा गुलाम मोहम्मद शेख का। चेंजिंग सीजन, गुलाम मोहम्मद शेख 1981 गुआश एंड ऑन हैंडमेड पेपर। द अ ट्री इन माय लाइफ, ये है 1996 में बना, अ ट्री इन माय लाइफ गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र। कंपोजिशन इन ग्रीन एंड ब्लैक, अ सिटी इज़ नोन बाई द स्टैचूज 2014 में बनाया है ये गुलाम मोहम्मद शेख ने, ये इनका वाटर कलर पेपर होगा, यस वाटर कलर ऑन पेपर है। मैपिंग इन नेशन एंड द स्टेट 2001, ये गुआश है, गुआश ऑन पेपर। रिक्योरिंग इमेज 1962, ये 62 का इनका काम है, अर्ली पीरियड का। ट्री ओवर माउंटेन 1970 में ट्री ओवर माउंटेन गुलाम मोहम्मद शेख का है जो कि बहुत ही सुंदर है। ट्री को उन्होंने बहुत ही डिटेल में पहाड़ी मिनिएचर के तरीके से बनाया है, ये पहाड़ी मिनिएचर मुगल मिनिएचर इन सब कलाकृतियों से भी प्रेरणा लेते थे, अपने चित्रों में बनाते थे। तो फ्रेंड्स ये हो गए इनके चित्र, अब हम उनके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, 20 क्वेश्चंस इनके बारे में। अगर हम क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो मैंने अभी तक इसमें बताया नहीं है वो भी इसमें जिक्र होगा। तो फ्रेंड कौन सा कलाकार था जो कि गुजरात के दंगों से प्रभावित था और उसने चित्र बनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम मोहम्मद शेख। देन राइट आंसर इज बी गुलाम मोहम्मद शेख, आप लोगों ने लगा लिया हो। नेक्स्ट चलते हैं, आप भी कुछ साथ में अपना क्वेश्चन का आंसर लगाते हुए चलिए, मैं भी तुरंत के तुरंत आंसर देते चलूँगी। शहर बिकाऊ है चित्र किस कलाकार का था, तो ये है बी गुलाम मोहम्मद शेख। चित्र शहर बिकाऊ है कहाँ पर संग्रहित है, तो ये है जो राइट आंसर इज, आप बताइए, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन, लूब्र संग्रहालय, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, नेशनल गैलरी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में, शहर बिकाऊ है, सिटी फॉर सेल। गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र शहर बिकाऊ है में किस फिल्म का चित्रण हुआ है, मैंने आपको डिटेल में बताया, उसको जूम करके भी दिखाया, तो सी इज़ द राइट आंसर, सिलसिला नामक मूवी का जिक्र है और उसमें थिएटर को भी उन्होंने दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकिंग स्ट्रीट बोलती सड़क किस चित्रकार की है, स्पीकिंग स्ट्रीट नामक पेंटिंग गुलाम मोहम्मद शेख की है, राइट आंसर इज बी गुलाम मोहम्मद शेख। कला पत्रिका वृश्चिक 1969 से 1973 का संपादन किस कलाकार ने किया था, तो राइट आंसर इज बी गुलाम मोहम्मद शेख। गुलाम मोहम्मद शेख के चित्रों में क्या दिखाई देता है, स्वप्न फैंटेसी यथार्थ या ये सभी,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने लगा लिया हो, खुद से लगाते हुए चलिए मेरे साथ साथ, आप मेरे से पहले कर लीजिए और फिर अगर लग रहा हो कि मैं तुरंत के तुरंत बता रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर लगा लीजिए, फिर मुझे उसमें से प्ले करिए, देन आप अपना आंसर देखिए क्योंकि मैं तुरंत के तुरंत बता रही हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी हैं, स्वप्न भी हैं, फैंटेसी है और यथार्थ भी है, क्योंकि मैंने आपको चित्र दिखाया तो इस तरीके से आपको उनके बारे में, पेंटिंग्स के बारे में समझ में आ गया होगा, उनके चित्रों में स्वप्न भी है, फैंटेसी भी है और यथार्थ भी है। गुलाम मोहम्मद शेख की पत्नी नीलिमा शेख पेशे से क्या हैं, एक कलाकार हैं, एक राजनेता हैं, एक सलाहकार हैं, एक पुरातत्ववेत्ता हैं। तो राइट आंसर इज़ ए, कलाकार हैं, जो कि अभी साथ में ये लोग बड़ौदा में रहते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख अभी कहाँ पर रहकर काम करते हैं, यहाँ पर सी बड़ौदा हो जाएगा, राइट आंसर इज़ सी। कहत कबीर सीरीज किस कलाकार की है, एम एफ हुसैन, गुलाम मोहम्मद शेख, जे एम अहिवासी या कृष्णा रेड्डी। राइट आंसर इज़ बी, गुलाम मोहम्मद शेख। कहत कबीर, याद रखिएगा, बियॉन्ड द रिज किस कलाकार का चित्र है, एम एफ हुसैन, गुलाम मोहम्मद शेख, जे एम अहिवासी या कृष्णा रेड्डी। राइट आंसर इज़ बी, बियॉन्ड द रिज मीन्स होता है टॉप के पार, मीन्स चरम, मीन्स शीर्ष के पार, मीन्स रिज मीन्स होता है जैसे आप ये पहाड़ हो गया, तो टॉप के पार मीन्स शीर्ष के पार, इसको हिंदी में कहेंगे बियॉन्ड द रीच, जो कि 1976 में इन्होंने बनाया है। अ ट्री इन माई लाइफ चित्र गुलाम मोहम्मद शेख ने कब निर्मित किया है, आप बताइए इसको, 1990, 1992, 1996, 1998। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, 1996 में, ये मैंने बताया है। 13, गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म कब हुआ था, आप बताइए पहले, इसको टिक करिए आप। राइट आंसर इज सी, 1937। क्वेश्चन नंबर 14, जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय वॉशिंगटन डीसी में गुलाम मोहम्मद शेख का व्याख्यान कब हुआ था, 1912, 1913, 1914, 1915, आप बताइए, आप टिक करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2013 होगा यहाँ पे, ये सारे 19 का 2000 होगा, ठीक है, 2013 इज़ द राइट आंसर। गुलाम मोहम्मद शेख को पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था, पद्मश्री इनको 1983 में मिला था, राइट आंसर इज सी। गुलाम मोहम्मद शेख को कालिदास सम्मान से कब सम्मानित किया गया था, ठीक है, तो ये आप सोच के टिक करिए। कालिदास सम्मान से 2002 में इन्हें सम्मानित किया गया था, राइट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम मोहम्मद शेख को पद्म भूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया था, राइट आंसर इज डी, 2014 में। इनमें से कौन सी श्रृंखला गुलाम मोहम्मद शेख की है, मप्पा मुंडी श्रृंखला, ये तो आप समझ ही गए होंगे, मप्पा मुंडी श्रृंखला गुलाम मोहम्मद शेख की है, किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स डायलॉग श्रृंखला, डायलॉग श्रृंखला तो आपके अनुपम सीत की है, गुड़िया विकास भट्टाचार्य की, और किंग ऑफ डार्क चैम्बर आई थिंक, आप बताइए इसको कमेंट बॉक्स में, किंग ऑफ डार्क चैम्बर श्रृंखला किसकी है। एट होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है, एट होम इन द वर्ल्ड जो है वो गुलाम मोहम्मद शेख के ऊपर लिखी हुई है, उनके ऊपर चैतन्य संभरानी ने लिखी है, राइट आंसर इज डी, ये चीज़ याद रखना है। कावड़ चित्र कौन से कलाकार ने बनाया है, तो ये भी गुलाम मोहम्मद शेख ने है बनाया है, राइट आंसर इज बी, गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक है, तो ये हो गया 20 क्वेश्चंस, आपको कैसी लगी ये वीडियो, अगर आपने गुलाम मोहम्मद शेख के बारे में अच्छी जानकारी मिली हो आपको तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कैसी लगी ये वीडियो, मॉक टेस्ट कैसा लगा और उनके चित्रों का डिस्क्रिप्शन कैसा लगा, मैंने कितने डिटेल में बताया आपको, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।